आज हम लोग कोमोड आप लोग को फिट करते हुए सिखाएंगे। तो कोमोड कैसे फिट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है। ये मेरा हिंज बेल का कोमोड है, हिंज बेल का कोमोड है। इसका स्टोल आप लोग को आप देखिए, स्टोल करते दिखाते हैं। ये पाइप को पहले काट लेना, कोमोड को रख के पाइप को काट लेना। इसके बाद आप सिस्टम भी लगाना आप लोगों को सिखा रहे हैं, सिस्टम कैसे लगाया जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है। बहुत आसान तरीका से ये मेरा हिंदी का सिस्टम है, ब्रांडेड कंपनी है। दोनों क्लिप निकालना है, ले भाई क्लिप दोनों निकल गया। ढक्कन को साइड में रखना है, ये शॉर्ट बेल्ट है, ये मेरा यहां लगेगा। होल है, ये फुटबॉल का पार्ट्स है, तो पहले इसको लगा लेते हैं। ये नट को खोल लेना, ये वॉशर भी लगा देना। ये फुटबॉल को भी इसमें लगा देना। बहुत आराम से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आराम से प्यार से इसको चढ़ाइएगा, आराम से चढ़ जाएगा। ये मेरा लग गया, इसमें कुछ मेरा सामान है। ये सामान मेरा क्लिप है जो इसमें रहेगा। इसको प्लास्टिक को पहले खोल लेना, ये केप है जो पीछे लगेगा इसके साथ में। ये दो क्लिप है, ये वॉशर है, वॉशर भी लगाते दिखाएंगे आपको। ये मेरा दो स्क्रू है,
स्टेट एकदम देखना पेंसिल में देना आपको ये मेरा स्टेट दागी हो गया, इसको फिर खोल लेना। तो मेरे परफेक्ट ही नापी आ रहा, अभी इसमें दाग नहीं दिया गया, इसको हम बीच का सेंटर है। इसको दागी दे देना, इधर स्टेट हो गया पूरा एकदम, इसको निकाल लेना, इसको साइड में रख लेना। इधर इसे 7 mm का बिट लगेगा, हथौड़ी ले लेना, ऐसे रख के प्यार से टोक देना एकदम सिंपल तरीके से। आराम से ठोक देना है, आप इसको पेचकस से भी टाइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं पेचकस से भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। रख देना इस तरह, पेचकस से हम टाइट नहीं किए इसका, ये मेरा परफेक्ट लग गया। ये मेरा लग गया, इसको खोलना निकालना
सवासर को लगाना है। देखिए इसको घुसाना है, घुसा तो पाने में इसका एक दिमाग लगाए, इसको बीच से काट दिए, ये हल्का सा काट दिए, और ये हल्का सा काटने में क्या नॉर्मली घुस जाएगा। अब देखिए नॉर्मली घुसता है, देख लिए तो वही है, कुछ दिमाग अपने से लगाना पड़ता है भाई। तो मेरा ये सिस्टम भी फिट हो गया, कमर भी फिट हो गया, एजेंडर में भी फिट हो गया। तो देखिए कोमोड सिस्टम लगाने का यही आसान तरीका, 10 मिनट में आप लगा सकते हैं सिस्टम है कोमोड। तो चैनल को लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा, आप देख सकते हैं भैया। देखिए ये कैप भी आप लगा दीजिएगा, ये लगाना है। ये भी लगा देना, इसमें पानी चालू करके दिखाएंगे राइट। इससे ढक्कन का भी इंस्टॉल करना आप लोगों को सिखाएंगे। तो ढक्कन देखिए स्टेप, ये मेरा कमर का ढक्कन है, इसका ये नट बोल्ट, इसको फाड़ दीजिएगा। ये नट को आप खोल लीजिएगा एकदम प्याज से, इसको भी निकाल लीजिए। कौन सी गड्ढा लग रहा है? हाँ, इसमें ये लगा देना, गुना नीचे रहना, ये बाथरूम बहुत इमरजेंसी में हम लोग को फिट करना पड़ा। आप लोग देख रहे हैं कि ये टाइल्स जो लगा हुआ है, तो बाथरूम में किसी का पैर में दर्द होने के कारण ये कोमल हम लोग को बोला कि जल्दी फिट कर दो भाई, कि आज ही आज वो आ जाएगा, क्या कि उसको बाथरूम में आने जाने में दिक्कत होगा। अगर इंडियन बाथरूम है बगल में तो ये कोमल का महीना दिन पहले ही ये बाथरूम का काम किया था, तो इसलिए बोला कि इमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी फिट कर दो, जब टाइल्स लगेगा तो बाद में इसका काम होगा। तो पूरा ये बाथरूम का कोमोड वालों फिट कर दिए ओपन में। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात, बहुत आदमी आप लोग पूछते हैं कि सर आपका नंबर चाहिए, तो नंबर हम अभी परचेज नहीं करेंगे, नंबर में परचेज नहीं करूंगा, क्या मैं झारखंड से हूँ और बहुत जन बहुत दूर से फोन करते हैं, तो फोन करने का कारण है कि मैं उतना दूर किसी के पास जा नहीं सकता। हाँ, फोन कॉन्टेक्ट मैं दूंगा, जब तक मेरा 1000 फॉलोवर हो जाएगा तब मैं कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कॉन्टेक्ट नंबर 1000 सब्सक्राइब होने के बाद मैं अपना नंबर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग जो सवाल पूछना होगा पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल में, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।